हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पांडा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कैसे आपका इनकम टैक्स कैसे कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैसे आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा, कैसे नेट टैक्स निकलेगा, उसके कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कंप्यूटेशन बनाएंगे, वो आज हम लोग देखेंगे। एंड तो इस वीडियो को देखिए, इसका पर सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक एक करके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके साथ डिस्कशन करेंगे कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारा आदमी का इसका पर डाउट रहता है कि कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसको भी हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये देख सकते हैं, मैं एक कॉम्पिटिशन बनाया हूँ आपका स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन ये है, उसका पूरा टैक्स कैलकुलेशन, नेट टैक्स कितना निकला है, कितना रिफंड हो सकता है, क्या क्या डिडक्शन मिल सकता है, सब का पर इसमें है। देख सकते हैं, एक्स आशीषी का नाम मान लीजिए मैं लिया हूँ एक्स, आपका ऐसे ही आप कंपटीशन बनाएंगे, ठीक है। आपका जो भी आपका नाम है वहाँ पे एक्स के जगह में दे देंगे। उसके बाद फादर्स नेम आपका दे देंगे, मैं वाई पकड़ा हूँ, आप जिसका होगा वहाँ पे दे देंगे आप। उसके बाद एड्रेस, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर लेंगे। एक्सेल शीट में आपको कंपटीशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, आप आशीषी का डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। उसके बाद उसका पैन नंबर दे देंगे, वार्ड रेंज जो भी रहेगा उसका यहाँ पे कोड डाल देंगे। उसके बाद स्टेटस में इंडिविजुअल रहेगा या एचयूएफ रहेगा, जो भी रहेगा आशीषी उसका नाम बोल देंगे। और प्रीवियस ईयर एंड कब खत्म हो रहा है, एंड 31 मार्च 2020, असेसमेंट ईयर 2021। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे। रिटर्न फाइल डेट आपको पता है, नोटिफिकेशन आने के बाद 30 नवंबर 2020 हो गया है। अभी इसके बाद आप देखिए कि इनकम कंपटीशन ऑफ इनकम, हम लोग कंपटीशन किए कैसे इनकम को, ना इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम किससे ली, सैलरी इनकम कहाँ से लाया है, यानी जेड प्राइवेट लिमिटेड से सैलरी इनकम कितना किया है, 3,60,000, 3,60,000। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है। उसके बाद पी टैक्स काटा हुआ है 1,800 रुपया, तो आपको इतना कट गया, 51,800 कट गया, तो डिफरेंस इतना है आपको टैक्स लगेगा, यानी दिस माइनस दिस, ये आपका आ गया टैक्स फिगर, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से क्या कटा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, तो आप यहाँ पे एक जोड़ी जोड़ लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दे के फिर उसको भी इसमें टाल लेंगे। मेरा ये में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है तो मैं ही नहीं ले रहा हूँ, आपका होगा तो आप जोड़ लेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मेरा मेरा फोकस जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मेन फोकस ये है। देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया गया। यहाँ पे आशीषी का एक्स कैपिटल गेन कंपटीशन कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2021 का। सेल जो किया हुआ है, सेल जो प्रॉपर्टी का सेल हुआ है, उसका प्राइस जो है 15,000 यहाँ पे मैं ले लिया। उसके बाद लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो आप परचेज किए लैंड का, जो लैंड हो आपका, बिल्डिंग हो, जो वैल्यू जो जिसको सेल किए उसका परचेज जो किए थे उसका वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे। टोटल ये सारा लिए, स्टाम्प ड्यूटी, उसके बाद लॉयर जो है, लॉयर का चार्जेस सारा मिला के टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना आ रहा है। वो आपका ये देख रहे हैं कि ये जो पीरियड जो है मेरा 2012 से, यानी ये मेरा 3 साल से ज़्यादा है, यानी मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कवर होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कवर होगा तो उसमें इंडेक्स एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टाइम में इंडेक्स एप्लीकेबल होता है। तो इंडेक्स मेरे को करना पड़ेगा क्या ना, ये जो प्रॉपर्टी जो मैं बेच रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को मैं परचेज एक्चुअली कब किया था, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, यानी 12-13 फाइनेंशियल ईयर में मैं परचेज किया था, तो दिस वैल्यू इंडेक्स डिवाइड होगा कब ना, 12-13 का जो इंडेक्स है उसको डिवाइड उसी ईयर में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 19-20, यानी जो फिनेंशियल ईयर मेरा करंट फिनेंशियल ईयर में उसको सेल कर रहा हूँ तो उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए मैं क्या लिया हूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिया हूँ क्या ना, जो आपका यहाँ पर राउंड ऑफ मिल के लिए लिया हूँ, राउंड ऑफ ब्रैकेट में स्टार्ट करके दिस वैल्यू जो कॉस्ट आपके एक्चुअल जो कॉस्ट है उस वैल्यू को डिवाइड किया, कितना 2000 मल्टीप्लाई किया 280
9 में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया। अभी ये आया मेरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सेल कंसीडरेशन से लेस करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ये कॉस्ट लेस करना नहीं पड़ेगा, ये आपका एक्चुअल परचेज के टाइम में ये कॉस्ट था, लेकिन आप इंडेक्स अप्लाई करने के बाद कॉस्ट आ रहा है ये, तो दिस माइनस दिस देन जो आएगा वो आपका कैपिटल गेन है। इसका ऊपर स्पेशल रेट चार्ज होगा 20% करके टैक्स लगेगा। तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने के लिए इसी तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कॉस्ट आपका है परचेज के टाइम में जो कॉस्ट किए थे, कौन सा फिनेंशियल ईयर में किए थे, उस फिनेंशियल ईयर का इंडेक्स को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कौन सा इंडेक्स करेंगे, यानी जिस फिनेंशियल ईयर में सेल करें। मेरा फिनेंशियल ईयर 19-20 में सेल कर रहा हूँ तो इसको मल्टीप्लाई किया 289, ठीक है। उसी फिगर को मैं यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे मेरा इनकम आया, तो ये मेरा टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम यहाँ आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या मेरा इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, यूको बैंक से मेरा इंटरेस्ट 20,000 रिसीव किया हूँ, और रिफंड जो है आईटी रिफंड जो मेरे को मिला था उसमें इंटरेस्ट मिला था मेरे को 2,250 रुपया। तो टोटल ये मिला के मेरा ये है, ये पूरा टैक्सेबल में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आ गया ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम से आपको पता है डिडक्शन करना पड़ेगा, डिडक्शन चैप्टर VI से डिडक्शन मिलेगा। मेरा LIC प्रीमियम में मेरा क्या है ना 38,000 इतना मेरा LIC है, तो मैं इतना ले लिया, आपका जितना होगा आप ले लेंगे। उसके बाद 80D में मेडिकल ये में मेडिकल प्रीमियम में मेरा ये है इतना मैं ले रहा हूँ, आपका जो होगा आप 80D में क्लेम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा 80TTA, 80TTA आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक से आपको डिडक्शन मिलता है 80TTA में। मैक्सिमम आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 10,000 मैक्सिमम मिलना पड़ेगा 80TTA में। आप सीनियर सिटीजन है 80TTA में एप्लीकेबल नहीं होगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB एप्लीकेबल होगा। तो मेरा कैसे मैं क्या है, मेरा एज जो है लिया हूं, तो मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, तो मेरे को उसका बेनिफिट मेरे को 10,000 मिलेगा, 80TTA एप्लीकेबल होगा। तो मेरे को 20,000 इसका क्या है ना सेविंग बैंक इंटरेस्ट का मेरा टैक्सेबल कितना हुआ है यहाँ पे 20,000। तो 20,000 से मेरे को मिलेगा कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 10,000 सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। तो मेरे को इतना तीनों का डिडक्शन मिलेगा, तीनों को मिला के इतना फिगर आएगा। ये मेरा तीनों का फिगर है, देख लीजिए तीनों का फिगर है, ये तीनों का फिगर यहाँ पे ले लिया। तो दिस फिगर ग्रॉस टोटल इनकम से मेरा डिडक्शन लेस होने के बाद अभी ये फिगर आया मेरा टैक्सेबल इनकम। ये मेरा इस इनकम का पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मेरे को दो इनकम है, नॉर्मल रेट का ऊपर एप्लीकेबल होता है और स्पेशल रेट यानी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो मेरा ये इनकम का ऊपर स्पेशल रेट कटेगा, यानी 20% इस इनकम का ऊपर 20%, बाद बाकी इनकम का ऊपर स्लैब रेट का हिसाब से कटेगा। तो यहाँ पे मेरा देखिए नॉर्मल रेट का हिसाब से क्या किया ना, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ना, टोटल इनकम जो है टोटल इनकम से ये जो है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम को बाद दे दिया। बाद देने के बाद मेरा कितना इनकम आ रहा है 268,224 रुपया आ रहा है। उससे आपको पता है 2,500 एग्जेम्पशन है, तो 2,500 यहाँ पे मैं एग्जेम्पशन दे दिया। बाद जो बाकी रह गया उसका ऊपर 5%, ये नॉर्मल टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्स मेरा आया 911 रुपया, ठीक है। उसके बाद स्पेशल रेट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है स्पेशल रेट कटेगा कितना 20%। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम ले लिया, उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया 20%, तो मेरे को कितना 20% आ रहा है, ये आपका मेरा 20% आ रहा है 1,50,941 रुपया मेरा ये 20% आ रहा है। तो ये मेरा दोनों मिला के ये इनकम है मेरा, ये टैक्स लगा नॉर्मल टैक्स प्लस आपका स्पेशल रेट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये जो इसी का ऊपर 20% लगा था। बाद बाकी क्योंकि देखिए इसी इनकम का ऊपर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाद देने के बाद जो इनकम आ रहा है ये आ रहा है, इसी का ऊपर 2,250,000 बेनिफिट मिल जाएगा। बाद बाकी का ऊपर लगने के बाद 911 रुपया लगा। उसके बाद ये मेरा इनकम आ गया, अभी मेरा ये टैक्स फिगर आ गया। टैक्स फिगर के बाद सरचार्ज नहीं हो एप्लीकेबल हो रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसी का ऊपर लगेगा, ये प्लस ये दिस प्लस दिस ये दोनों को मिला के, लेकिन सरचार्ज मेरा कैश में नहीं है तो सरचार्ज कुछ नहीं है, सरचार्ज का ऊपर छोड़ दीजिए। तो इसी का ऊपर फिर सिर्फ मिलेगा मेरे को 4% चार्ज होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला में मारा हूँ क्या देख लीजिए कि दिस प्लस दिस
दोनों को मिलाने के बाद उसका ऊपर 4%, लेकिन इसके में सरचार्ज नहीं, आपका टाइम में सरचार्ज आ रहा होगा तो उसका ऊपर भी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आया मेरा टोटल, ये फिगर आया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, पेनल्टी लेट फी वगैरह कुछ नहीं है, तो टोटल मेरा ये राउंड ऑफ कर दिया, इसको चार में एक्स्ट्रा जोड़ जाए क्योंकि राउंड ऑफ करने के लिए, ये मेरा फिगर आ गया 1,56,890। लेकिन मैं टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, एडवांस टैक्स थ्रू पेमेंट कर दिया था, कितना 2,00,000 पेमेंट कर दिया था। अभी मेरे को रिफंड मिलेगा दिस अमाउंट। मान लीजिए आप टैक्स पेमेंट नहीं किए तो आपको टैक्स उतना पेमेंट करके उसके बाद आईटीआर आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह आपको कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसी तरह आपको इजी फॉर्मेट है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हैं पर द फिनेंशियल ईयर 19-20 का, उसका ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं बनाया हूँ। आपको उसको चाहिए तो मैं क्या करूँगा ना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें 3 पार्ट में वो वीडियो को सेग्रीगेशन किया गया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, उसको 3 पार्ट में तोड़ के किया हूँ, तो आप उस पार्ट को आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके इनकम फ्रॉम सैलरी कंपटीशन जो देखेंगे आपका 19-20 का देख लेंगे तो वहाँ पे आपको तीनों वीडियो मिलेगा, नहीं तो मैं तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको यहाँ पे सैलरी के इनकम सैलरी प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो कोई ये नहीं है, जो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, एफडी बैंक का एफडी से इंटरेस्ट हो, या आईटी रिफंड हो, सारा को आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको रिफंड में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आईटी डीटीए में ये सब का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो आपका फॉर्मेट यहाँ पे समझा दिया कैसे फॉर्मेट बनता है, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंडेक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा तो इंडेक्स आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अभी तो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।